A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovind Palace, Sirmau Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर निगम की महापौर आज अपना चैम्बर छोड़ नगर निगम के दरवाजे पर बैठकर लोगों की समस्या सुनते नजर आई। महापौर का यह आरोप है कि अधिकारी हितग्राहियों की तो छोड़िए, उनकी खुद की नहीं सुन रहे हैं। हालांकि इस मामले में अधिकारी अपनी सफाई दे रहे हैं। सिंगरौली जिले में काबिज आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की इकलौती महापौर रानी अग्रवाल इन दिनों नगर निगम के अधिकारियों से काफी ज्यादा खफा और परेशान है। रानी अग्रवाल का कहना है कि अधिकारी उनके बुलावे पर ना ही उनके पास पहुंचते हैं और ना ही उनके दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, बल्कि गोलमोल जवाब देकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसी से नाराज होकर आज महापौर रानी अग्रवाल अपना चैम्बर छोड़ नगर निगम दफ्तर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर कुर्सी टेबल में बैठ गई और वहां उन्होंने आने वाले हितग्राहियों की समस्याएं सुनी। उनका कहना है कि नगर निगम के अफसर उन्हें नजरअंदाज भी कर रहे हैं। अब इस मामले पर अधिकारियों का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि महापौर के आदेशों का वह पालन करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर वह भी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब सिंगरौली नगर निगम में महापौर और अधिकारियों के बीच तनातनी हुई हो। इसके पहले भी महापौर ने उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि यहाँ बीजेपी के लोग अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। जैसे कि MIC की बैठक होने वाली थी, 26 की डेट पहले दी गई थी कि इसमें 6-7 जो पॉइंट है वो MIC में जोड़ने थे और परसों ही वो 11 तारीख को होने आने वाली थी, लेकिन 26 से 11 के बीच में आज तक भी एक भी एजेंडे को MIC की फाइल नहीं तैयार करी गई। मैंने उपाध्याय जी को भी बुलाया 1 घंटे पहले कि आप आइए, मैं ऊपर चैम्बर में बैठी थी कि किस तरह क्यों नहीं जोड़ी गई। आज सोमवार हो गया, MIC के सदस्यों को मुझे एजेंडा देना पड़ता है, पहले उनको बताना पड़ता है क्या क्या करना है, लेकिन आज तक 26 से लेके आज 9 तारीख तक कोई भी इसमें एजेंडा का कोई भी फाइल हमारे द्वारा इसमें उनके द्वारा जोड़ी नहीं गई। तो मैंने ऊपर उनको उपाध्याय जी को बुलाया, लेकिन 1 घंटा से मैं उनका वेट कर रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आए। शायद उनका पैर दर्द करता है, क्या करता है। अब हम आज से यहीं बैठेंगे और जो जनता का काम होगा यहाँ से करवाएंगे, अगर यहाँ से नहीं होगा तो बाहर बैठ के काम करवाएंगे। तो ये सब आवाज़ के लिए भी आज जनता बहुत भटक रही है। हमने उनको कहा था कि जिनके आवाज़ का काम हो रहा है वो लिस्ट तैयार करके यहाँ पे लगा दे ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े। जिनका आवाज़ आ रहा है वो बता दें फर्स्ट किस्त में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लिस्ट भी आज तक नहीं यहाँ पे चिपकाई गई है। मैंने बैठक भी ली थी, बिल्कुल मानती हूँ इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। बिल्कुल मैं मांग करूँगी कि इस पे लापरवाही बहुत हो रही है। अगर आपके पास अधिकारी कर्मचारी नहीं है तो और बढ़ाएं, नहीं है तो आप काम तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। आज हम यहीं बैठेंगे। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय RS अकेडमी, सेकेंड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।